वहां से बैठे बोलू क्या हुआ है मामला और किस तरह का मामला? ये है कि हमारा एक प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा है खानपुर सतवा में, पिछले 7 महीनों से लगभग चल रहा है। तो पोजीशन को लेकर के वहाँ पे विवाद रहता है। हमने कई बार पुलिस और प्रशासन को इन्फॉर्म किया है कि वहाँ पे कोई भी अप्रिय घटना ना घटे। आज हमारी सिस्टर को छोड़ने हम गाँव जा रहे थे, रास्ते में ये हालात हो गए कि गाड़ी वहाँ पर हमने पापा को रोका ट्यूब वेल कर कि वो खाना खा लें। खाना देने के लिए जब गाड़ी सुधरे तो विपक्षी लगभग 20-25 लोग आए हुए थे, लाइसेंस लिए मतलब राइफल लिया हुआ था उन्होंने, बंदूक लिया हुआ था हाथों में, लाठियाँ लिया हुआ था। जब हम लोगों ने रोकना चाहा तो उन्होंने उसी से वार कर दिया, जिसमें मेरे सर पर चोट आई। जब लाठी सर पर उन्होंने मारा तो हम ज़मीन पर गिर गए। फिर उन्होंने इधर राइट हैंड साइड मारा, फिर लेफ्ट हैंड साइड मारा और कमर पर इतना ज़्यादा मारा कि मतलब हमको बचाने के लिए मम्मी डैडी आ गए। उनके सर पर धारदार हथियार से उन्होंने अट्रैक कर दिया, जिसकी वजह से स्टिचिंग हुई। क्या फायर और भी की हुई है गोली? हाँ, लगभग 2500 राउंड फायर किया गया। और हमारे ट्यूबवेल पर ट्रांसफार्मर है, उसमें जबकि ऑलरेडी 2 गोलियां लगी हुई हैं। कितने लोगों को मारा है उन लोगों ने? आप लोग चार पाँच लोगों को, जिसमें नरेंद्र सिंह का सर फट गया है, उनकी कमर में चोट आई है, उनकी मिसेस का सर फट गया है जो कि मेरे मदर फादर हैं, और मुझे मेरे अंकल को। क्या चाहती हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि अगर कोई कुछ कर सकता है तो करे, और नहीं कर सकता है तो हमको हमारे हाल पे छोड़ दे, क्योंकि पुलिस और प्रशासन दोनों निकम्मी है, किसी लायक नहीं है। वीडियो में एक सिपाही पुलिस वाले भी दिख रहे हैं, उनके सामने लाठी और गोली चल रही थी, क्योंकि ये उनको लेकर के आए थे। हमारे विपक्षी जिन्होंने हमारे ऊपर अट्रैक किया, ये उनको लेकर के आए हुए थे। ठीक, अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम है निशा सिंह, मैं स्टेट अवार्डी हूँ क्राफ्ट सेक्टर्स में, इसी काम के लिए मैं गाँव गई हुई थी। ज़मीन से आपसे क्या ताल्लुक़ है? वो मेरे फादर ने 35 सालों पहले उसको परचेज़ किया था, तो रजिस्ट्री नहीं कर रहे हैं वो लोग। तो अभी 25 मार्च से उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिया कि हमने बेचा ही नहीं है, तो पोजीशन को लेकर के विवाद चल रहा है, जबकि हमारा मामला सिविल न्यायालय में चल रहा है। ऑलरेडी वाद चल रहा है जिसकी कल तारीख थी, और आगामी कल तारीख है यहाँ पे SDM साहब के यहाँ। तो पोजीशन के आधार पर हमारा वाद दाखिल है 229B, और न्यायालय में हमारा 788 नंबर का वाद दाखिल है सिविल न्यायालय में। लोग कब्जा करना चाह रहे थे बंदूक के बल पर जी, तो बस इतना मेरा निवेदन है कि आइंदा ये कभी वहाँ पर ना दिखे, और अगर सज़ा दिलाई जा सके तो दिलाई जाए, नहीं तो मैं अपने स्तर से निपट लूँगा। मैं उनको